नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। आप सबों के सुख शांति और समृद्धि की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित हूं आज फिर से एक जबरदस्त वीडियो में आप लोगों के समक्ष एक नया स्टॉक के साथ। और आज का जो स्टॉक है इसने हाल में ही बड़ा जबरदस्त रिजल्ट पोस्ट किया है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट बन रहा है, बहुत बड़ी तेजी का, तो इसलिए ये स्टॉक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियाँ हैं, उन सबों में धीरे धीरे करके गिरावट हो रही है और मुझे डर है कि कहीं 2018 की तरह फिर से इन सारे स्टॉक्स में जोरदार गिरावट कंटिन्यूड ना रहे। अगर गिरावट कंटिन्यूड रहता है तो ये धीरे धीरे इरोड करता रहेगा पोर्टफोलियो को, तो इससे बेहतर है कि एक इनमें भी अगर आप लगाना चाहें इन स्टॉक्स में, तो चुन के ऐसे स्टॉक्स में लगाइए जो बहुत अच्छे अर्निंग्स, बहुत अच्छे ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट जिनमें है, जिसमें मोमेंटम भी होता है क्योंकि बहुत अच्छे अर्निंग्स के नंबर होते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अभी कुछ ना कुछ कैश लेकर बैठिए, क्योंकि मार्केट के गिरावट में फिर वही आपका सहारा होता है। और नंबर तीन ये भी बताऊंगा कि अगर ख़रीदना ही है तो थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स खरीदिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स खरीदिए। पार्टिकुलरली मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मेटल स्टॉक्स पर ज़्यादा बुलिश हूं और उनमें भी सेल और नालको, इन दोनों पर ज़्यादा बुलिश हूं क्योंकि दोनों ही अंडर वैल्यूड हैं और दोनों में ही आगे बढ़ने के बहुत ज़ोरदार प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अभी आज जो स्टॉक प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, इसका नाम जो है आपके सामने है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी रीइंफोर्स्ड पॉली प्रोपाइलीन कंपाउंड्स, थर्मोप्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स एंड फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स। तो ये बड़े ही टेक्निकल नाम है। तो ये बड़े ही टेक्निकल किस्म के कंपाउंड्स हैं और फाइबर्स हैं, इलास्टोमर बोलते हैं, जैसे रबर एक इलास्टोमर है, तो इस तरह के और भी इलास्टोमर हो सकते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स और इलास्टोमर्स और अलग तरह के फाइबर्स बनाने में किंगफा साइंस को महारत हासिल है। और यहाँ पर मार्केट कैप देखिए 1364 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। और स्टॉक पी देखिए 74.5। इनफैक्ट मैं बताऊँ ये पी काफ़ी ज़्यादा था, मगर अभी जो इस बार परफॉर्मेंस इसका आया है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते ये स्टॉक पी कम हो गया है, यानी कि एक बड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से अभी एक चीपर वैल्यूएशन की ओर बढ़ रहा है। आरओसी देखिए 3.83%, जो कि काफ़ी कम दिखेगा आपको। आरओई 1.51%, बुक वैल्यू 292 है और करेंट प्राइस 1134 है। पिछले 52 वीक्स में 1322 का हाई इसने बनाया था और 430 का लो बनाया था और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि इस पर कोई ज़्यादा कर्ज नहीं है, बहुत कम कर्ज है। इस यहाँ 12 क्वार्टर्स का रिजल्ट आपके सामने है। सेल्स देखिए पिछले 12 क्वार्टर्स में 222 करोड़ का सेल्स है, जो हाईएस्ट एवर है। लेकिन साथ में ही बता दूं कि पिछले क्वार्टर का सेल 221 करोड़ था, तो बस मार्जिनली ही ये बढ़ा है, तो सेल्स में बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। सेल्स तो बिल्कुल फ्लैट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन यही जून 2020 के मुकाबले देखें तो सेल्स देखिए कितना ज़ोरदार बढ़ा है। सेल्स में लगभग 500% का जंप है, 500% का। लेकिन मैंने बताया मार्च 2021 के मुकाबले बिल्कुल फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जो 3% था जून 2020 में, वो अभी जून 2021 में बढ़कर 9% हो गया है। यहाँ पर भी 300% जंप है सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक चीज़ और बताऊंगा कि सिक्वेंशली अगर आप देखेंगे, मार्च 2021 में सिर्फ 4% था, ये बढ़कर अभी 9% हो गया है। देखिए पूरे 12 क्वार्टर्स को देखेंगे आप तो जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च 2019 और जून 2019 में 10-10% का था। उसके बाद कभी इसने हमेशा ही इसने 1%, 2%, 6%, 5%, 2%, 3, 3, 3, 2, 4, तो दोनों ये जो दो 10-10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज से 2 साल पहले थे, वो देखिए अभी इसने 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से अचीव कर लिया है। इसमें एक ज़ोरदार तेजी रहने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़बरदस्त इजाफा है और इसकी वजह से आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी इजाफा है। नेट प्रॉफिट भी अभी ये हाईएस्ट एवर 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। 12 करोड़ का प्रॉफिट एक बार और आया हुआ है मार्च 2019 में, लेकिन उस समय सेल सिर्फ 181 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का था। अभी सेल्स भी बढ़कर 222 करोड़ हो गया है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो पिछले 7-8 क्वार्टर्स में हाईएस्ट आया है।
यहाँ पर एक चीज और देखिए, जून 2020 में 1 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था, जबकि जून 2021 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही लाजवाब है। और ईपीएस देखें तो हाईएस्ट एवर ईपीएस, एक बार 10.31 आया था और अभी 9.68, ये सेकेंड एवर हाईएस्ट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये पिछले 6-7 क्वार्टर्स में ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। मार्च 2020 में देखिए 0.53 था, अब ये 9.68 है। ये लगभग इसमें लगभग कम से कम 20 गुना के आसपास बढ़ोतरी है। मार्च 2021 में ईपीएस सिर्फ 1.35 था, अब ये 9.68 है। यहाँ भी लगभग 5-6 गुना जो ईपीएस है उसमें बढ़ोतरी है। तो बड़ा ही मार्वेलस रिजल्ट है। जल्दी से इसके डिलीवरी पोजीशंस दिखाता हूँ। 6 अगस्त को ये 72% था, फिर 9 अगस्त को 71% था, फिर 61, 55, 65, 53, 63 और 57%। तो जोरदार डिलीवरीज भी इसमें चल रही हैं और कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। लगभग 1100-1200 रुपये का स्टॉक है, फिर भी देखिए दवा कर डिलीवरी उठ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इसमें FII का लगभग 6.55% स्टेक है FIIs का, DII का कोई स्टेक नहीं है। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि FII का स्टेक स्लाइटली पिछले क्वार्टर में घटा था, जो इस क्वार्टर में मेंटेन्ड है और वो है 6.33। बहुत मार्जिनली इसमें गिरावट है FII के स्टेक में। देखिए मार्केट्स मोजो ने इसका अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट है जून का, उसके बारे में अपना एक कमेंट्री यहाँ पर दिया है। किंगफा साइंस रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन जून 2021, स्कोर हैज़ इम्प्रूव टू 34 फ्रॉम 3 इन लास्ट 3 मंथ। यानी कि पिछले क्वार्टर में जहाँ पर रैंकिंग 3 था इसका, वहाँ रैंकिंग बढ़कर 34 हो गया है। देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है इसमें। और इस 34 के न्यूमेरिकल रैंकिंग को आउटस्टैंडिंग रेट करता है मार्केट्स मोजो, तो काफ़ी बेहतरीन इस बार परफॉर्मेंस है। देखिए 2017 के बाद से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। 2017 में तकरीबन 1115 रुपये का पीक इसने बनाया था, उसके बाद गिरावट रही थी, 650 रुपये के आसपास आ गया था। इसके बाद इसमें बहुत ज़ोरदार तेज़ी रही। देखिए 2018 में इसने 1208 का पीक टच किया था और उसके बाद फिर से गिरावट रही इसमें, और अभी लगभग राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाकर अभी वापस से इसने लगभग 1265 का पीक टच किया है हाल में ही पिछले मंथ में, और इस मंथ में अभी फिर से लगभग 1260 के आसपास जाकर नीचे अभी 1128 पर आपको मिल रहा है। आप गौर करिए कि इसने 1208 के आसपास का लेवल एक बार अटेम्प्ट किया, 1208 को तोड़कर पिछले बार ये 1265 चला गया था पिछले महीने, और अभी ये 1260 को फिर से इसने इस महीने टच किया है और वहाँ से घटकर 1128 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। में 3-4 महीने में ज़ोरदार बढ़ोतरी रही है और लगभग 550 के आसपास के लेवल से या 600 के आसपास के लेवल से उठकर 1265 को इसने टच किया है। तो लगभग 100% का गेन तो इसने पिछले 4-5 महीनों में ही दिया है। अभी आप अगर ये आशा करते हैं कि इमीडिएट ये बहुत भाग जाए तो भाग भी सकता है, लेकिन मैं कुछ इसके बारे में मैं इतना स्ट्रांगली आपको नहीं बोल सकता कि डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसको ट्रेड करने का तरीका बताता हूँ। अभी 1128 पर आपको मिल रहा है, 1128 पर आप 30% खरीदिए। मार्केट में बहुत हलचल है, कभी मार्केट अगर इसमें लगाना ही हो तो कम ही पैसा लगाइए, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 3% मैक्सिमम लगाइए इसमें, और भी लगाइए 30% जब ये आपको लगभग 1050 के आसपास गिरता हुआ दिखे, और जब ये 950 तक गिरे तो इसमें फर्दर 40% पैसा लगाइए। इसमें जो टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ये टारगेट 3 महीने का नहीं है, ये टारगेट 6 मंथ का है, और 6 मंथ का टारगेट जो है वो है लगभग 1500 रुपया। आपका एवरेज प्राइस अगर 1050 रुपया है, यहाँ से 1500 को देखें 45% के आसपास का गेन आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन धैर्यपूर्वक इसको पेशेंस से रखिएगा और ज़्यादा खरीदिएगा मत, ये भी बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ज़्यादा खरीदना नहीं है, पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अगर इसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया गेन देगा। इसमें अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें बूम आएगा और इसके फंडामेंटल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, पूरे लाइफ में जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इसमें सबसे बड़े वॉल्यूम्स अभी आपको दिखाई देंगे पिछले 5-6 महीनों में, और ये सब के सब बाइंग वॉल्यूम है, सब के सब ग्रीन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 जो देख रहे हैं आप,
ये जोरदार वॉल्यूम उठे हैं। इसके पहले भी 4 वॉल्यूम उठे हैं, तो पिछले 12 महीनों में सिर्फ 2 या 3 कैंडल, 2 या 3 वॉल्यूम बार्स ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे हैं और वो सब सेलिंग वाले हैं, और तमाम जो बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स हैं वो सबके सब ग्रीन हैं, बाइंग के कैंडल्स हैं। तो इस स्टॉक पर अपनी नज़र बनाए रखिए, और जानबूझकर मैंने आपको एक कॉशस वे में ट्रेडिंग करने के लिए बताया है। इसका जो टारगेट है वो काफ़ी हाई है, मगर इसमें अभी इमीडिएट बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है, मार्केट के क्यूज़ अगर ख़राब हुए तो ये आपको धोखा भी दे सकता है, ये भी क्लियरली बता रहा हूँ आपको। अब मैं जल्दी से आप लोगों को अपने कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ जिनको मैंने पिछले दिनों रिकमेंड किया है। पिछले अपने 2 वीडियोस में मैंने अपने कुछ 15 से 20 स्टॉक्स के बारे में बताया है जिनमें बड़ा ही भयंकर विस्फोटक परफॉर्मेंस आया है। उन सबको आप जाकर डेफिनेटली देखिएगा, तस्दीक करिएगा। अभी देखिए, कल के पिछले वीडियो में यानी कि परसों जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो नंबर 222 में RDB रसायन बताया था 84 के प्राइस पर, और ये 94 को इसने टच किया। 13% का गेन सेम डे आपको मिला है, सेम डे। आपको पता है मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट करता हूं मैं, और ये उस सेम डे 13% इसने आप लोगों को गेन दिया था। वीडियो नंबर 194 देखिए, जुआरी ग्लोबल मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था 92 रुपीज पर, और ये 157 को टच कर गया। इसने 70% का गेन अपने पीक पर आपको दिया है, माइंड बॉगलिंग 70% का गेन। वीडियो नंबर 125 में सुप्रीम पेट्रो बताया था मैंने आज से लगभग 4-1 महीने पहले, और 436 रुपये के प्राइस पर बताया था, 870 को इसने टच किया, और लगभग 100% का ऑलमोस्ट गेन यहां पर आपको मिला है 1 से 1.5 महीने के अंदर। ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये वाला पीक जो है इसने काफ़ी पहले टच किया है, ये अभी इसने नहीं टच किया है। जुआरी ग्लोबल में भी ये पीक काफ़ी पहले टच हो गया है। ये जितने भी गेंस मिले हैं ये मेरे रिकमेंडेशन से 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर सारे गेंस मिले हैं। अभी वीडियो नंबर 115 देखिए, गुलशन पॉलीओल को मैंने 87 रुपीज़ पर आप लोगों को रिकमेंड किया था, और सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इसने 239 के आसपास इसने पीक टच किया, और 170% का जोरदार गेन आपको दिया है। वीडियो नंबर 200 में देखिए, असाही इंडिया ग्लास 330 पर आप लोगों को रिकमेंड किया था, और मैंने कहा था कि इसमें फॉल हो सकता है, तो 310 तक फॉल भी हुआ। मैंने कहा कि 50-50% लगाइएगा तो एवरेज प्राइस जो है 320 आपका हो जाएगा, और देखिए इसमें 380 का पीक ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर भी लगभग 20% का सॉलिड गेन आपको मिल चुका है। तो ये बड़े छोटे से, बहुत थोड़े से स्टॉक्स मैंने बताए, ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत भयंकर गेंस आ चुके हैं। और देखिए JCT में 400% का ऑलमोस्ट गेन आपको मिल चुका है, गोकुल एग्रो में लगभग 400% के आसपास का गेन मिल चुका है, और इसी तरह देखिए अल्काइल एमाइन और हिंदुस्तान फूड्स, ग्लोबस स्पिरिट्स, इन सब में 150 से 200% का गेन आपको पिछले कुछ ही दिनों में मिल चुका है। हमारा एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि पैट्रॉन मेंबर्स के लिए है, और बड़े ही नॉमिनल फीस पर इस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबरशिप दिया जाता है, और इसमें 3 फैसिलिटीज़ हम देते हैं। सबसे पहला वीकली वंस, हर हफ्ते एक बार आप मुझसे सीधा बात कर पाएंगे अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियोज़ के बारे में। इसके अलावा 24/7 तो हमेशा ही आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क में रहेंगे। एक्सक्लूसिव स्टॉक्स जो मैं और कहीं नहीं बताता हूँ, ये सब जो यूट्यूब पर भी नहीं बता पाता हूँ, वो सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर मैं बताता हूँ, और इनमें विस्फोटक तेज़ी आती है और उतने ही भयंकर गेंस आते हैं जितने आपने यूट्यूब पर सुने और देखे हैं। हमने क्वार्टरली जो टारगेट रखा है इस ग्रुप के लिए वो 15% पर क्वार्टर रखा है हर एक 3 महीने में, तो पूरे साल में देखें तो 15x4 60% का टारगेट बनता है, लेकिन इसको घटाकर हमने 40-50% ही कर दिया है, क्योंकि मार्केट की उठा पटक और उथल पुथल में कभी ये जो परफॉर्मेंस है वो घट भी सकता है, कभी हम इसको आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं, कभी हम इसको अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 40-50% ही टारगेट रखा है। लगे हाथों बता दूं आपको कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं और PMS हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वो लगभग 15-20% का कैगर एवरेज आपको निकाल कर देते हैं, तो हमारा टारगेट जो है 40-50% इसके डबल से भी ज़्यादा है। देखिए, कुछ लोगों को ये संदेह हो सकता है कि क्या ऐसे टारगेट्स हमेशा अचीव हो सकते हैं हर क्वार्टर में, तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे पिछले 10-15-20-50 वीडियो देखिए, 100 वीडियोज़ देखिए, और सबसे पहले तस्दीक करिए कि सचमुच इन्होंने ये ऐसा गेन दिया है कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 90% स्टॉक्स ने ऐसे ही भयंकर गेंस दिए हैं, 50-50% के, 90-90% के गेंस तो सिर्फ 2 हफ्ते और 3 हफ्तों में आए हैं,
तो 15% का गेन तो बहुत ही मामूली है 3 महीने के अंदर, तो हमारा टारगेट बिल्कुल अचीवेबल है। लेकिन आप सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे सारे स्टॉक्स को जाकर तस्दीक करिए, पूरे ध्यान से सुनिए, देखिए, उसको एग्जामिन करिए कि क्या सचमुच मेरे स्टॉक्स ने ऐसा गेन दिया है। और अगर आप एक बार संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ सचमुच ऐसा गेन दिया है, ये मेरा ईमेल आईडी है topshareideas@gmail.com, और इस पर आप अपना मुझे नेम एंड मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, आपको इमिजिएटली लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही इस लिंक के थ्रू आप वो नॉमिनल फीस पे कर देते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना लिया जाता है, और इमिजिएट आपके पास आपको वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं जो पैटर्न मेंबर्स को मिलती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जबरदस्त वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।